नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश रीवा स्थित सोलर पावर प्लांट की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बताया। जब उन्होंने इसे एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बताया तो इस पर भारी विवाद शुरू हो गया। इस वीडियो में हम तथ्यों के साथ आपको बताएंगे कि रीवा सोलर पावर प्लांट पर क्या विवाद है और क्या वाकई में मोदी सरकार ने झूठ बोला या फिर यह सवाल उठाने वालों की अज्ञानता मात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा की इस अत्याधुनिक मेगा सौर ऊर्जा परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। पीएम मोदी ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। हालांकि उनके इसी दावे पर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस का कहना है कि देश में पहले से ही रीवा से ज्यादा क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ऐसे में रीवा कैसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट हो सकता है? मध्य प्रदेश के रीवा स्थित जिस सोलर पावर प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन पीएम मोदी ने 10 जुलाई को किया, उसकी क्षमता 750 मेगावाट है। यह करीब 1500 हेक्टेयर जमीन में फैला है, जहां 250-250 मेगावाट की 3 यूनिट है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में कहा, आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघों से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। पीएमओ की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के रीवा में अत्याधुनिक मेगा सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। यह एशिया के सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। हालांकि रीवा की सौर ऊर्जा परियोजना पर कांग्रेस ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। रीवा में अत्याधुनिक मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहना कांग्रेस को हजम नहीं हुआ। डीके शिव कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि केंद्र सरकार कैसे रीवा सोलर पार्क को, जो आज ही शुरू हुआ है और सिर्फ 750 मेगावाट क्षमता वाला है, उसे एशिया का सबसे बड़ा बता सकते हैं, जबकि कर्नाटक का पगवाड़ा पार्क इससे काफ़ी बड़ा और 2 साल पहले ही शुरू हो चुका है। डीके शिव कुमार ने अपने दूसरे ट्वीट में रीवा और पगवाड़ा को सोलर प्लांट बताया। डीके शिव कुमार के बाद शनिवार सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने पीएम मोदी के उसी ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट को एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लिखा गया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, असत्याग्रही, यानी डीके शिव कुमार के बाद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के दावे को गलत करार दिया। पीएम मोदी के दावे को गलत करार दे रहे कांग्रेस नेताओं को जवाब देने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामने आना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान सामने आए और उन्होंने कांग्रेस नेताओं की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। शिवराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के एक बड़े युवा नेता जो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी के नेताओं ने भी उनकी पाठशाला में पढ़ना शुरू कर दिया है। साथ ही शिवराज सिंह ने लिखा, इन कांग्रेसियों को सोलर पार्क और सोलर प्लांट का अंतर भी नहीं पता और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि फिर से सरकार बनाएंगे। यानी शिवराज सिंह चौहान ने सोलर पार्क और सोलर प्लांट में अंतर बताते हुए कांग्रेस नेताओं के आरोपों को उनकी जानकारी का अभाव बता दिया। आइए अब जानते हैं कि रीवा की यह सौर परियोजना आखिर में है क्या। इस प्रोजेक्ट से जुड़े रीवा जिले के रिन्यूएबल एनर्जी अधिकारी एसएस गौतम ने जानकारी दी कि 750 मेगावाट का यह सोलर प्लांट है, जिसमें 250-250 मेगावाट की 3 यूनिट है। एसएस गौतम के मुताबिक यह पहला ऐसा प्लांट है जहां एक ही पॉइंट पर 750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। एक ही पॉइंट का मतलब यह है कि एक ही साइट पर लगाई गई 3 यूनिट से पावर जनरेट होकर
एक सब स्टेशन में जाती है और उस सब स्टेशन से ग्रिड लाइन के जरिए मध्य प्रदेश व दिल्ली मेट्रो को बिजली की सप्लाई दी जा रही है। एसएस गौतम के मुताबिक रीवा का ये प्रोजेक्ट देश का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जहां एक ही पॉइंट पर एक लाइन से 750 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। देश में कहीं भी इतने मेगावाट का साथ में एक पॉइंट से उत्पादन नहीं किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि आखिर सोलर पार्क और सोलर प्लांट में क्या अंतर है। किसी भी सोलर प्लांट में अलग अलग प्लांट होते हैं। अलग अलग डेवलपर कम क्षमताओं के प्लांट से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, यानी एक सोलर प्लांट सिर्फ एक प्लांट होता है, जैसा कि रीवा में है, और एक सोलर पार्क में कई सोलर प्लांट हो सकते हैं, जैसा कि कर्नाटक के पगवाड़ा में है। बता दें कि कर्नाटक के पगवाड़ा के जिस सोलर पार्क का हवाला देकर रीवा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें 11 अलग अलग डेवलपर अलग अलग क्षमता के प्लांट चला रहे हैं। कुल मिलाकर 2050 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन वहां से किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने पीयूष गोयल के पुराने ट्वीट को भी शेयर कर सवाल उठाए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक पुराना ट्वीट भी शेयर किया। यह ट्वीट 19 जनवरी 2020 का है। इस ट्वीट में पीयूष गोयल ने लिखा है, पगवाड़ा स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब ऑपरेशनल है। 2050 मेगावाट क्लीन एनर्जी इससे पैदा हो रही है। ये पार्क किसानों से लीज पर ली गई जमीन पर बनाया गया है। सूखा ग्रस्त इलाकों का सदुपयोग किया जा रहा है और किसानों की आय बढ़ाई जा रही है। बता दें कि पगवाड़ा सोलर पार्क की क्षमता 2000 मेगावाट थी, जो बाद में बढ़ाकर 2050 मेगावाट कर दी गई। पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट के साथ वेबसाइट solarcompare.co.in का लिंक भी शेयर किया था। इस वेबसाइट पर पगवाड़ा सोलर पार्क के प्रोजेक्ट डेवलपर की लिस्ट दी गई है। लिस्ट में 11 डेवलपर यानी 11 कंपनियों के नाम हैं और हर प्रोजेक्ट की मेगावाट क्षमता अलग अलग है। सबसे ज़्यादा क्षमता टाटा पावर की है, जो 400 मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी पगवाड़ा सोलर पार्क में 11 प्रोजेक्ट डेवलपर मिलके 2050 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं और इसमें से किसी भी एक डेवलपर की क्षमता 750 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है। फिलहाल पूरा विवाद सोलर पार्क और सोलर प्लांट जैसे शब्दों को लेकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस कर्नाटक के सोलर पार्क को बड़ा बता रही है, तो पीएम मोदी के रीवा प्रोजेक्ट को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट वाले दावे का बचाव करते हुए शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आपको सोलर पार्क और सोलर प्लांट का अंतर ही नहीं पता है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि narendramodi.in वेबसाइट पर भी रीवा के प्रोजेक्ट को सौर पार्क यानी सोलर पार्क ही लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वेबसाइट पर लिखा गया है कि इस परियोजना में एक सौर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। इस सोलर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त उद्यम कंपनी है। हालांकि चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह बात तो सौ आने सच है कि मोदी सरकार ने सोलर एनर्जी पर रिकॉर्ड स्तर पर काम किया है। आइए जानते हैं सोलर एनर्जी के क्षेत्र में मोदी सरकार की कुछ उपलब्धियां। सोलर पावर एनर्जी के क्षेत्र में भारत विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, भारत दुनिया में सबसे सस्ती सोलर बिजली बनाने वाला देश भी बन चुका है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस क्षेत्र में ईमानदारी से काम हो रहा है और घोटाले ना के बराबर हैं। मोदी सरकार ने 20 गीगावाट तक की सोलर एनर्जी जनरेशन का लक्ष्य 2022 तक रखा था, लेकिन यह समय से पहले ही पूरा किया जा चुका है। आश्चर्य इस बात का भी है कि यह लक्ष्य 4 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया और 2022 वाले लक्ष्य को अब 5 गुना तक बढ़ा दिया गया। मतलब साफ है कि मोदी सरकार सोलर एनर्जी में कितनी तेजी से काम कर रही है।
31 मार्च 2020 तक मोदी सरकार ने रिकॉर्ड 42 सोलर पार्क विकसित कर लिया है। यदि हम 10 वर्ष पहले की बात करें तो मोदी सरकार ने आज 233 गुना सोलर एनर्जी जनरेट कर रही है। 10 वर्ष पहले भारत में 161 मेगावाट की सोलर एनर्जी जनरेट होती थी, जो मार्च 2020 में 37,627 मेगावाट हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में बनकर तैयार है। भड़ला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह 10,000 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला है, जो लगभग 40,000 किलोमीटर के बराबर है। राजस्थान के जोधपुर जिला अंतर्गत इस सोलर पार्क की क्षमता 2250 मेगावाट है, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। धन्यवाद।